हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल पावर शावर, वे यू गाइज आर माई पावर्स। और अब मैं थोड़ा सा सो रही हूँ क्योंकि अभी बजे है 3:05 और मुझे 3:30 को पार्लर में मेरा अपॉइंटमेंट है। हालांकि लॉकडाउन में पार्लर्स बंद है, बट अपॉइंटमेंट लेकर ही जो मेरा पार्लर वाला है वो अपॉइंटमेंट लेकर ही कस्टमर्स को ले रहा है। एंड शटर ओपन नहीं रख रहा है, शटर डाउन ही रख रहा है। अंदर कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही ले रहे हैं एंड दुकान भी बंद रख रहे हैं, तो बहुत लिमिटेड कस्टमर्स को ले रहे हैं। तो मेरा अपॉइंटमेंट 3:30 का है क्योंकि परसों मेरा बर्थडे है, तो मैं अपने बालों को कुछ करवाने वाली हूँ और ये जा रही है। सो ये मुझे एटलीस्ट 15 मिनट की नींद दे देना तो मेरा बर्थडे गिफ्ट यही होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। सो या लेट्स लीव। सो या सो गाइज, अब हम जा रहे हैं पार्लर में। मेरे गेट के बाजू में ही है वो पार्लर, होपिंग कि सब ठीक से हो। और वो पार्लर में वैसे बहुत प्रिकॉशंस ले गए, आई एम 100% श्योर। सो चलते हैं, सैनिटाइजर लगा कर जाए। ये देखो शटर बंद है, हम इसके अंदर जाएंगे। अंकल, अंकल सो सबसे पहले हम लगा रहे हैं एक्सटेंसो क्रीम। एक्सटेंसो क्रीम क्या होता है, हमारे बाल का जो नेचुरल शेप होता है वो उसको पहले ब्रेक करता है, क्योंकि अगर जब तक हम हमारा नेचुरल शेप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम न्यू शेप में बालों को नहीं ला सकते। तो अब हम लगा रहे हैं एक्सटेंसो। हम हर एक सेक्शन में, हर एक बाल में ये क्रीम लगाएंगे क्योंकि हमारे हर एक बालों का शेप ब्रेक करना है, तो इसके लिए जाएगा कुछ 1 घंटा 1-1.5 घंटा। ऊपर के बालों पर क्रीम लगाने के बाद अब हम नीचे के बालों पर क्रीम लगा रहे हैं। नीचे के बाल थोड़े से स्कैंटी एंड रफ़ होते हैं, तो उसे माइल्ड क्रीम की ज़रूरत है वरना वो बाल जल जाएंगे। इसके लिए हम वही क्रीम 10-15 मिनट के लिए रखेंगे। ऊपर के बालों पे हमने कुछ 25 मिनट्स तक के लिए क्रीम रखा था, नीचे के बालों पर हम सिर्फ 10 मिनट के लिए वो क्रीम रखेंगे। अब हम 45 मिनट तक इस क्रीम को रखेंगे ताकि हमारे बालों का शेप पूरा ब्रेक डाउन हो जाए और हम दूसरा क्रीम लगा के इसे नया शेप दे सके। और ये क्रीम को हम वॉश कर लेंगे थोड़ी देर बाद। सो अब हम कर रहे हैं वॉश, हमारे बालों में से क्रीम अच्छे से निकाली जाएगी एंड अच्छे से कर लेंगे वॉश। अब बालों को सुखाने के लिए अच्छे से ब्लो ड्राई कर रहे हैं। अब बालों को सुखाकर हर एक बाल को प्रॉपर सेक्शन किया जा रहा है और हर एक सेक्शन को बराबर सुखाया जा रहा है ब्लो ड्राई से, हेयर ड्रायर से, एंड प्रॉपर शेप दिया जा रहा है। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की, जो मुझे करना है परमानेंट स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्मूदनिंग। तो उसके लिए अब हम कर रहे हैं बालों को स्ट्रेट। हमारे बालों की आयनिंग हो रही है, हर एक सेक्शन को प्रॉपरली आयन किया जा रहा है क्योंकि हर एक बाल स्ट्रेट दिखना चाहिए, तो प्रॉपरली हर एक बाल को लेकर स्ट्रेट किया जा रहा है। इसलिए ये प्रोसेस को कुछ लगेगा 1-1.5 घंटा आराम से।
सो बाल स्ट्रेट होने के बाद अब लगाया जा रहा है न्यूट्रलाइज़र. सो बेसिकली न्यूट्रलाइज़र क्या होता है, इतने सारे बालों में केमिकल्स वगैरह यूज़ करने के बाद, स्ट्रेटनिंग मशीन यूज़ करने के बाद बाल हमारे गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं. तो न्यूट्रलाइज़र बाल को ठंडा करता है, कूल डाउन करता है. ऑल्सो सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट काम है उसका, जैसे एक्सटेंसो हम लोग ने यूज़ किया था, सबसे पहले एक्सटेंसो क्रीम यूज़ किया था, तो वो हमारे बालों का शेप ब्रेक डाउन कर रहा था. और अब हमने जो नया शेप दिया है, तो ये न्यूट्रलाइज़र इस शेप को परमानेंट रखेगा, इंटैक्ट रखेगा, जुड़ा हुआ रखेगा. इसे भी हर एक सेक्शन में, हर एक बाल में अच्छे से लगाना है, तो लगभग आधा पौना घंटा जाएगा. न्यूट्रलाइज़र को अच्छे से लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर ही आपके बाल वैसे परमानेंट, वैसे इंटैक्ट रह पाएंगे. और फिर इसे वॉश कर लेंगे. अब हम वेट करेंगे आधे घंटे तक. सो बाल वॉश हो चुके हैं, हमने इसे अच्छे से शैम्पू कंडीशनिंग भी कर लिया है. अब हम फिर से ब्लो ड्राई कर रहे हैं और अपने बालों को सुखा रहे हैं. प्रॉपर हर एक सेक्शन लेके ब्लो ड्राई कर रहे हैं और उसे प्रॉपर शेप दे रहे हैं एंड सुखा रहे हैं, क्योंकि अभी सब प्रोसीजर हो गया है. दिस इज़ द लास्ट स्टेप, अच्छे से बालों को ड्राई करना एंड उसे एक अच्छा शेप देना. एंड या सो 6 घंटे बैठने के बाद हमारे बाल आर फाइनली डन. परमानेंट स्मूदनिंग हो चुका है, बालों को एक नया लुक मिल गया है. एंड वाओ, आई एम लविंग इट. अब बालों में लगाएंगे सीरम, क्योंकि जो भी धूल है, डस्ट है, ऑलरेडी बालों में इतना केमिकल गया है, तो बाकी के डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इसको थोड़ा सा, बालों को थोड़ा सा और शाइनी बनाने के लिए. सो आई एम बैक होम एंड स्मूदनिंग के बाद जो बालों में से स्मेल आती है ना, वो खुशबू आती है ना, वो बहुत अमेजिंग होती है. ऐसा नहीं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने पहले भी एक दो बार स्मूदनिंग किया है एंड मुझे ये स्मेल बहुत पसंद है, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत मस्त है. गुड मॉर्निंग गाइज, एंड आपको लग रहा होगा स्मूदनिंग इज़ वेरी ईजी, उस दिखने में बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेट बाल एंड एवरीथिंग, बट संभालना, उसको फर्स्ट वॉश तक संभालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक 3 दिन बाद मेरा फर्स्ट वॉश होगा एंड तब तक मुझे मेरे बाल स्ट्रेट ही रखने, उसे फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि जो लास्ट में जो क्रीम लगाया था, न्यूट्रलाइज़र लगाया था, वो इसलिए लगाया था ताकि बालों को स्ट्रेट एक नया शेप आए, और वो शेप फॉर्म करने में 3 दिन लगता है. तो ना मुझे इसमें हल्का सा पानी डालना है, ना ये थोड़ा भी फोल्ड होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन सेट होने लगते हैं तो रात को भी सोने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई है. बार बार मुझे ऐसे उसको स्ट्रेट करना पड़ा, खाने में भी ऐसे बाल थोड़ा सा आ गया था, तो ऐसे साइड में करके मुझे खाना पड़ता है. एंड अभी ब्रश भी करूँगी तो पानी वानी नहाते वक्त सब संभालना पड़ेगा.
गाइस सो मैं नहाने गई एंड जब मैंने अपना टॉप उतारा तो वो टॉप के साथ साथ जो मेरा शावर कैप था वो भी उतर गया, तो फिर से मुझे बाथरूम में डिफ़िकल्टी हुई मेरे बालों को शावर कैप में डालने। एंड उसके बाद मुंह धोने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि बाल पूरी तरीके से अंदर नहीं थे, बाल बाहर थे, मैं पानी लगने नहीं दे सकती। तो मुंह भी मैंने कुछ इतना ही पार्ट धोया, बाकी का अब मैं एक कपड़ा लूँगी और कपड़े से अच्छे से फेस को क्लीन कर लूँगी। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप अपने ये बाल में, स्मूदनिंग किए हुए बालों में कोई ऑयली चीज़ नहीं लगा सकते, कोई ऑयली चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ राइट नाउ, वरना वो आपका स्मूदनिंग पूरा बिगड़ जाएगा। लाइक 3 दिन तक तो आपको कुछ ही नहीं करना है, बालों को ऐसे के ऐसे ही रखना है। 3 दिन बाद वॉश करके जो भी है, अगर स्ट्रेट रहा तो योर हेयर इज़ सेट, और अगर स्ट्रेट नहीं रहा, थोड़ा भी आपको लगा कि आपका बाल सेट नहीं है, तो पार्लर में जाके वो फिर से करके दे देंगे। बट फिलहाल अगर आपको कोई कोम भी करना है तो विदाउट ऑयल वाला कोम लीजिए, या किसी भी कोम में ऑयल है तो उसे वॉश कर लीजिए, उसे धो लीजिए एंड फिर ही कोम कीजिए, वरना आई डोंट थिंक यू विल सी 100% ग्रेट रिजल्ट्स। सो यार दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर दीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। एंड और ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर देना। थैंक यू, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बी पावर।